हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या #TV। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेम द क्वाड्रिलेटरल हु डायगोनल्स। आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताइए जिसके डायगोनल्स होते हैं। तो फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे कि पहला तो आपका ये देखिए स्क्वायर हो गया, ये देखिए इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। पहला स्क्वायर हो गया, अब दूसरा देखिए रेक्टेंगल देख लीजिए, रेक्टेंगल। अब इसमें ये देखिए बाइसेक्ट हो रहा है तो रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका ये रोम्बस है, अब इसमें भी आपका वो बाइसेक्ट होता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो रोम्बस में भी रोम्बस, और आपका एक चीज में और बाइसेक्ट होता है पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम होता है ये, ठीक है। इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये ऐसे और ये ऐसे, तो आपका पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट होते हैं। तो पैरेललोग्राम ये चार जी में आपका डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो अब सेकंड वाला देखिए, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसमें मतलब कि इक्वल बाइसेक्ट करें जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ऐसा तो आपका स्क्वायर में होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ से और यहाँ से, और रोम्बस में भी बनता है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारा स्क्वायर और रोम्बस में परपेंडिकुलर डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है, बाइसेक्टर होते हैं 90 डिग्री के। तो आपका एक स्क्वायर हो गया, दूसरा आपका रोम्बस हो गया, ठीक है, रोम्बस। अब थर्ड वाला देखिए, आर इक्वल। अब जिसके डायगोनल्स तो एकदम मतलब इक्वल हो, तो इक्वल तो आपके स्क्वायर के होंगे, ठीक है। स्क्वायर के देखिए यहाँ से यहाँ तक का इक्वल होगा, ये पूरा इक्वल है, ये भी इक्वल होगा, रेक्टेंगल में भी ये इक्वल होगा, इधर भी इक्वल होगा। पर इसमें तो रोम्बस में ये तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, ये शॉर्ट रहता है, और इसमें भी, लेकिन बस आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही आपके डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पहले पता है कि कॉन्वेक्स होता क्या है। तो कॉन्वेक्स जो होता है ना, इसके जैसे कि एंगल सारे अंदर होते हैं, ठीक है, सारे आपके एंगल्स अंदर होंगे, ठीक है। और कॉनकेव में कोई एक चीज़ आपका ना अंदर होगा, जैसे इस टाइप की फिगर हो अंदर की तरफ, तो उसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं, और कॉन्वेक्स में अंदर होता है। तो ऐसा तो आपको एक ही मिलेगा, रेक्टेंगल में भी होता है, यस, रेक्टेंगल में देखिए आपका ये रेक्टेंगल है, इसके सारे एंगल्स जो होते हैं अंदर होते हैं, एंगल्स अंदर होते हैं। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, अंदर की तरफ होते हैं ना रेक्टेंगल में जितने भी डायगोनल्स होते हैं। देखिए एक सॉरी मान लीजिए ये डायगोनल्स हैं, अरे सॉरी ये रेक्टेंगल है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं अंदर ही होते हैं ये, ठीक है, कोई डायगोनल बाहर नहीं आता है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, अंदर है इसीलिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 तो बहुत सिंपल है। ए बी सी इज राइट एंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन व्हाई ओ इज
डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये जो डॉटेड लाइन बनती है वो केवल हेल्प के लिए बनी है, उसके कोई वो नहीं है। तो देखिए ए बी सी ये पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी जो है पूरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें डायगोनल्स भी हैं जो कि इक्वल लेंथ में है, ठीक है। इतना इतना इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इतना इक्वल है, इतना इक्वल, ठीक है। इक्वल है सारे रेक्टेंगल को, मैंने बताया था कि जितने भी डायगोनल्स में इक्वल पार्ट में डिवाइड रहते हैं। तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी इज फॉर्म्ड रेक्टेंगल, ये ए बी सी डी रेक्टेंगल पॉइंट बना है, फॉर्म्ड रेक्टेंगल एंड जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, एंड डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इक्वल इन लेंथ, इक्वल लेंथ में होते हैं रेक्टेंगल के। जैसे ए से ओ इतना है तो ओ से सी भी उतना ही होगा, और बी से ओ जितना है ओ से डी भी उतना ही होगा, ठीक है, रेक्टेंगल में। तो ऐसे तो बी डी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब इसको देखिए, 1 2 अपॉन बी सी ये हुआ, अब ये 1 अपॉन 2 ए सी, ठीक है, हाफ हाफ हुआ। तो अब देखिए क्या करना है, अब जो ए है जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ऐसे ए बी सी डी, तो ए से ओ, ठीक है, ए से ओ, फिर ओ से सी, ठीक है, ए से ओ इक्वल है, फिर ओ से सी इक्वल है, अब ओ से बी और ओ से डी, ठीक है, चारों इक्वल लेंथ में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ओ इज इक्वल, ओ जो है सारे इक्वल डिस्टेंस में, ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी एंड डी, ठीक है, ओ से सारे ए बी सी डी जो है इक्वल डिस्टेंस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।